यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूँ आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत बार मेरे पास मैसेज आए थे कि दी, आप अपने बालों की केयर के लिए क्या करते हो यार, आपके बाल इतने अच्छे लगते हैं हमें। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए और आपकी भी हेल्प हो जाएगी और मैं भी बता पाऊंगी कि हाँ भाई, ये वाले प्रोसेस यूज करके मैं अपने बालों की केयर करती हूँ। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। इसमें मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं वो सभी वाओ के हैं। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, आते अपनी वीडियो पर, लेट्स गेट स्टार्टेड। बालों में कॉम करके उन्हें टैंगल फ्री बना लेंगे और बालों को इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ऑयलिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ का ही 10-in-1 मिरेकल हेयर ऑयल। इसमें पंप दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आप आराम से अपने हेयर में ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ओके, आपको मतलब एक बाउल में लेकर फिर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी होता है इसे अप्लाई करना इसकी हेल्प से, पंप की हेल्प से। अच्छा, इसमें 10 टाइप्स के ऑयल्स का यूज़ किया गया है, जैसे कि आर्गन है, भृंगराज है, और भृंगराज आपकी हेयर्स को ब्लैक करने में बहुत हेल्प करता है। ओके, और अपने रूट से लेके अपने बालों के एज पे भी हेयर ऑयल ज़रूर लगाएं, इससे आपके बाल बहुत अच्छे से ऑयलिंग हो जाती है बालों में। मसाजिंग के लिए मैं वाओ का ही मसाजर ब्रश ले रही हूँ। मैंने अपने हेयर में ऑयल लगा लिया है और इन्हें ना अब मसाज करने के लिए मैं इस मसाजर का यूज कर रही हूँ। और ना ये मतलब हैंड फ्रेंडली बहुत है, बहुत अच्छे से। अब इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से मसाज करना है। मसाजिंग के लिए मैंने यूज़ किया है वाओ का ही मसाजर, और अगर आपके पास ना हो तो आप हाथों से भी अपने हेड पे ज़रूर मसाज करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, ऑयलिंग हो चुकी है। शैम्पू के लिए मैंने यूज़ किया है वाओ का शैम्पू और कंडीशनर। ये शैम्पू आपके स्कैल्प को टोन भी करता है और क्लेंज भी करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये शैम्पू। मैंने ना अभी अपने बालों को वॉश कर लिया है, ये देख सकते हो। और ना ये मैंने किया है वाओ के हिमालयन रोज शैम्पू से। इतनी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ये मैंने शैम्पू का यूज किया है हिमालयन रोज कंडीशनर, और आज मैं इसको स्किप करूंगी और इसकी जगह मैं यूज करने वाली हूँ अपने बालों में हेयर मास्क। ये है वाओ का हिमालयन हेयर मास्क और ये क्रीम फॉर्म में है, हेयर में अप्लाई करना बहुत इजी है इसे। अब आप लोग ये सोचोगे कि भाई हेयर मास्क तो हेड वॉश करने से पहले किया जाता है, तो यार देखो, मेरा ये मानना है कि आप अपने बालों की केयर कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से करो ना। अब मैंने जो मास्क लगाना है तो वो मेरे स्कैल्प में, मेरी स्किन में, मतलब मेरे हेड की स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट होनी चाहिए ना, ताकि तभी तो मेरे बालों को उससे बेनिफिट होगा। तो ये भी वाओ का ही है हिमालयन रोज हेयर मास्क। इन सभी के बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका, पर्पल, हर जगह ये अवेलेबल है। और इस टाइम पे तो काफी डिस्काउंट, काफी अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो यार अगर आप भी अपने बालों से प्यार करते हो और आप भी अपने बालों की केयर करते हो तो आप जरूर मास्क का यूज करें। एक बात और बताना चाहूंगी, वाओ जितने भी अपने प्रोडक्ट्स बनाता है उसमें 93% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ही यूज करता है। तो यस, आपको ज्यादा से ज्यादा उन्हीं प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए जिनमें नेचुरल चीजों का यूज हुआ हो, यानी इंग्रेडिएंट्स का यूज हुआ हो। तो अब मैं सबसे पहले अपने बालों को ब्लो ड्रायर कर लेती हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं क्या क्या प्रोसीजर है। वैसे तो मैं अपने बालों में ब्लो ड्रायर अवॉइड ही करती हूँ, रेगुलर बेस पे मैं इनका यूज नहीं करती हूँ, उसका यूज नहीं करती हूँ। बट जिस दिन मुझे हेयर मास्क लगाना होता है उस दिन मैं ब्लो ड्रायर का यूज करती हूँ, और आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ब्लो ड्रायर है तो आप जिस दिन हेयर मास्क लगाने जाएं शैम्पू करने के बाद, तो आप जरूर ब्लो ड्रायर का यूज करें, ताकि आपके जो हेयर हैं 90% ड्राई हो जाए और 10% आपके हेयर और आपके स्कैल्प वेट होने चाहिए, ताकि मास्क अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। अपने बालों को ड्राई करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये नोवा का हेयर ड्रायर, और इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप भी खरीदना चाहो तो वहां से परचेज कर सकते हो। जल्दी जल्दी से ब्लो ड्रायर करना शुरू करते हैं। मैंने अपने बालों को 90% ड्राई कर लिया है, अब मैं अपने बालों में लगाने वाली हूँ हेयर मास्क, और मैं फटाफट से आपको लगा के दिखाती हूँ कैसे इसे लगाना है। अच्छा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप हेयर मास्क लगाते हैं तो अपने स्कैल्प से लेकर अपने हेयर के एज तक लगाएं। तो यस, अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कैसे कैसे हेयर लगाना। के एज पे लगाने से स्प्लिट एंड्स ख़त्म हो जाते हैं और नरिशमेंट मिलती है। इसके हेल्प से आपके ड्राई, डैमेज और फ्रिजी हेयर
रिपेयर होंगे और साथ में आपके स्कैल्प को, आपके हेयर को नरिशमेंट मिलेगी जो आपके बालों की स्ट्रेंथ को और सिल्कीनेस को बरकरार रखेंगी। तो आप इसे वीक में ज़रूर 2 बार लगाएं और फिर 20 मिनट के लिए छोड़ दें। मैंने ना अपने बालों में मास्क लगा लिया है और अब मैं 20 मिनट का वेट करूंगी और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वाटर से अपने बालों को वॉश कर लूंगी। कई लोग बोलते हैं कि अपने हेयर मास्क को निकालने के लिए आपको शैम्पू का यूज करना चाहिए, तो नहीं, आपको शैम्पू का यूज नहीं करना चाहिए। आपके बाल जब एकदम अच्छे से साफ हो ना, आपका स्कैल्प अच्छे से साफ हो, आपको तब हेयर मास्क का यूज करना चाहिए। तो अब मैं वेट करती हूँ 20 मिनट का और फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको क्या रिजल्ट आया मेरे बालों को वॉश करने के बाद। मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और अब मैं दोबारा से ड्रायर की हेल्प से अपने बालों को ड्राई करने जा रही हूँ और फिर दिखाती हूँ कि फाइनल रिजल्ट क्या निकला है। बाल स्मूथ हुए हैं या नहीं हुए, वो सब आप आगे देखोगे। और ये है फाइनल लुक, बाल बहुत बहुत स्मूथ हो चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है बालों में से। सो यस, जितने भी प्रोडक्ट्स थे काफी अच्छे थे और उनके यूज करने के बाद मेरे बालों की कंडीशन काफी अच्छी हो गई है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे बालों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और मैं सोच ही रही थी कि यार मास्क लगा लेती हूँ, तो मैंने सोचा यार क्यों ना अपने प्रोसेस को यानी अपने तरीके को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यस, ये था मेरा तरीका अपने बालों को पैम्पर करने का, अपने बालों की केयर करने का। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट करके, आप लोगों के कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना और अगर वीडियो लाइक ही कर दिया तो यार सबके साथ शेयर भी कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।